सिंघम टॉकीज, डीलर के मन की बात सिंघम के साथ। एजेंसी का नाम क्या है सर और कहां पे बेस्ड है हम? प्री मोटर्स नाम हमारी एजेंसी का। अच्छा, और कहां पे बेस्ड है जमीती हम? सर सितारगंज बेच रहे हैं इस टाइम। हमें सिंघम के साथ जुड़े हुए कितना समय हो गया सर? सर करीब 2 साल हो गए सर। 2 साल हो गए हैं। अच्छा, ये बहुत बढ़िया बात है सर। अच्छा, तो इसमें बताइए सर, इससे पहले हम क्या कर रहे थे जमीर जी? सेकेंड हैंड बाइक का काम था सर। सेकेंड हैंड बाइक का काम कर रहे थे। अच्छा अच्छा, तो अब जो है, अब हम जो है बस सिंघम का काम कर रहे हैं सर। जी हाँ, आप सिंघम ऑनली सिंघम करते हैं सर। चलिए, वंडरफुल है सर। सर जब हमने चालू करा था तो हमारा सिंघम से जुड़ने का मेन रीजन क्या था, किस मुद्दे से हमने जो है सिंघम से काम चालू करा? सर सिंघम का मेन जुड़ने का कारण ये था कि स्टार्टिंग में जो सिंघम जो गाड़ी मार्केट में आई थी तो उसका फीडबैक बहुत बढ़िया था सर, और हमें भी अच्छी लगी थी गाड़ी वो सर। अच्छा अच्छा जी, हमारी सिंघम जुड़े थे हम लोग तो मार्केट में उसका फीडबैक बहुत बढ़िया चल रहा था सर, और चल रहा है, बढ़िया है। और हमारी कंपनी ने बहुत कुछ चेंज किया है सर। हाँ, तो क्या चेंजेस लाए हैं सर? जो 2 साल हो गए हैं, 2 साल भी काफी समय होता है, तो क्या चेंजेस लाए हैं इसके सिंघम के फीडबैक, सिंघम में जो भी आपने फीडबैक दिया हो, मार्केट का फीडबैक हो, क्या चेंजेस लाए सर, ऐसे थोड़ा बताएंगे मुझे? इसमें तो कई चीजें चेंज की है, जैसे सस्पेंस हो गया हमारा, पेन क्वालिटी तो बहुत बेस्ट है इस टाइम। अच्छा जी, मोटर हमारी हैवी हो गई है सर, कमाल। ओके हाँ सर, हमारे को पूरी मोटर्स को कैसे फायदा मिल पाया सर, कि क्या हमारे को ये जो आपने बताया सस्पेंशन हो गया, मोटर की क्वालिटी हो गई, पेंट की क्वालिटी हो गई, ये सारा जो फीडबैक दिया ना सर, ये हमें कस्टमर ने दिया है सर कि पहले से ये चेंज हुआ, हमें इतना अच्छा लगा, पर हमने भी उनको बताया सर ये देखो ये चेंज है, सब चेंजिंग है। और जो गाड़ी मार्केट में चल रही है ना हमारी, उसमें तो जैसे चेचिस को लेके बड़ा इशू रह रहा है, हमारी गाड़ी जो चेचिस है नंबर 1 चेचिस है, और बहुत बढ़िया चेचिस है हमारी गाड़ी का, और लोग और कंपनी जो गाड़ियां है सर ना, उनको चेचिस क्या है ना, गल जाता है, काई लग जाती है उनमें, बहुत मामला खराब। फिर हमारी गाड़ी सबसे ज्यादा चेचिस पे बहुत ज्यादा काम है गाड़ी में। अच्छा, बहुत पसंद है गाड़ी सर वो। तो सर इससे हमारे को क्या फायदा मिल पा रहा है, पूरी मोटर्स को क्या फायदा मिल पा रहा है सर इससे, जो ये हुई हमारी गाड़ी फीडबैक अच्छा मार्केट में है तो हमारी गाड़ी ज्यादा सेल्स हो रही है सर। अच्छा, तो अगर मैं मान के चलूं कि दूसरे आदमी को, अगर हम ये मान के चलें कि उन्हें कोई आदमी हम 5 गाड़ी बेच पाता है, तो उसी मेहनत में हम क्या ये मान के चले हमारी 10 गाड़ी बिक जाती है, हमारी 7 गाड़ी बिक जाती है, कुछ अगर मैं ऐसे समझना चाहूँ? बिल्कुल सर, बिल्कुल फर्क पड़ता है सर, बिल्कुल सेल बहुत फर्क पड़ता है क्वालिटी से सर, और फिर तो हमारा सर्विस वर्विस सब कस्टमर को क्या चाहिए सर, सर्विस चाहिए, माइलेज चाहिए सर कस्टमर, हमारी गाड़ी जितनी मार्केट में। अच्छा, तो मतलब हम सेम एफर्ट करके दुगनी सेल कर पा रहे हैं, मार्जिन में भी हम कुछ जो है एक्स्ट्रा कमांड कर पाते हैं सर, कुछ मार्जिन हम जो है दूसरे और उसमें ठीक ठाक है मार्जिन हमारा। हाँ, की तरफ से सर्विस वगैरह में आपको कोई दिक्कत कहीं पे कुछ वो? बहुत बढ़िया सर्विस है, जब हमें सर्विस अच्छी मिलती है ना तो आगे हम कस्टमर को दे पाते हैं सर, और यही रीजन है हमारा जो मतलब हम जो कंपनी जुड़ी है, हमें कंपनी आज तक कोई शिकायत या कुछ नहीं मिली है, हमें जो भी प्रॉब्लम होती है तो हमारी प्रॉब्लम सॉल्व होती है। चलिए, बहुत बढ़िया बात है सर, ये सुन के बहुत अच्छा लगा। ये समझना जरूरी है कि एंड कस्टमर का सिंघम के बारे में क्या फीडबैक है सर। सिंघम का फीडबैक मैंने आपको बताया, जैसे कि ना कि हमारी गाड़ी और कंपनी के मुकाबले हर चीज में फर्स्ट नंबर पे क्यों आती है, क्योंकि देखो सबसे पहले मैंने पहले ही बताया था आपको, चेचिस जो हमारी गाड़ी का है वो इतना बेस्ट है जो अभी तक किसी गाड़ी में नहीं आया सर। मार्केट में बहुत कंपनियां हैं, सारी कंपनियां हैं, लेकिन हमारी गाड़ी ज्यादा चेंज पड़ती है इसलिए क्योंकि हमने काफी कुछ चेंज कर रखा है कंपनी ने, चेचिस हमारा इतना बढ़िया कर दिया है कंपनी ने जो कस्टमर चेचिस देख के खुश हो जाता है। फिर पेंट क्वालिटी हमारी आती है सर दूसरे नंबर पे, पेंट क्वालिटी हमारी गाड़ी इतनी बढ़िया है सर जिसका कोई जवाब नहीं है। और कंपनी की जो गाड़ियां हैं देखते हैं मार्केट में हम लोग, किसी की काई आ रही है, किसी का कुछ हो रहा है, फिर और लोगों ना सर और कंपनियां सर्विस भी नहीं दे पाती हैं उनको कस्टमरों को। अच्छा जी सर, अब कुछ चीजें जैसे मोटर है हमारी कंपनी की, ठीक है, और कंट्रोलर है, वायरिंग है, हर चीज में मतलब और कंपनी से हमारा हर चीज बेस्ट है, और ये चीज कस्टमर पसंद आती है सर। हमारी गाड़ी का माइलेज है ना वो ऑटोमेटिक और गाड़ी से कम से कम 30 किलोमीटर हमारी गाड़ी का फालतू रहता है, और गाड़ियों से कम चाहे वो बैटरी
किसी कंपनी की डालने हो। एक खबर ये है कि और गाड़ी की जो बैटरी है ना सर, स्टेटमैन की बैटरी हम डालेंगे गाड़ी में और स्टेटमैन की डालेंगे दूसरी गाड़ी में, हमारी गाड़ी 20-30 पर फालतू चलेगी और उसकी गाड़ी 20-30 पर कम चलेगी। ये एक गाड़ी के अंदर खास बात है हमारी। अच्छा अच्छा तो जैसा आपने बताया सर्विस की आप बात कर रहे थे कि सर्विस में जो है दूसरी कंपनी सर्विस नहीं दे पाती, तो ऐसा मतलब कंपनी में यहाँ पे आपको सुनवाई लगती है अगर आपकी कोई भी दिक्कत है, कुछ दुविधा है, कुछ देखिए प्रोडक्ट चलेगा सड़क पे तो दिक्कत तो आती है। इतने पुराने जुड़े हैं सर, हमें अगर सर्विस में कोई शिकायत होती तो हम बात करते नहीं करते, हमें तो कोई प्रॉब्लम आज तक हुई नहीं, तो हुई तुरंत सॉल्व होती है कहने से पहले। अच्छा तो डीलर को चाहिए सर्विस मतलब कंपनी से, जब डीलर ले पाएगा तो वो कस्टमर को दे पाएगा सर, है ना जी जी। हमारी सर्विस अगर कस्टमर डीलर से कंपनी की अच्छी होगी तो हम कस्टमर को नहीं दे पाएंगे सर, और वही मार्केट में हमारा काम भी खराब होगा। तो सिंगम जो आदमी आपसे लेके जाता है तो वो मैं ये मान सकता हूँ कि वो जो है वापस दिक्कत की वजह से आप लोगों के पास वापस नहीं आता है ना सर, मुझे काम करते हो गया लेकिन अभी तक तो जैसे मान लो छोटी मोटी दिक्कत तो हमेशा हर चीज में रहती है वो मानता हूँ, फिर लेकिन कभी कस्टमर ने ये शिकायत नहीं की हमारा ये चीज यहाँ से ऐसा हो गया या हमारा ये मोटर फूक गई हमारा ये हो गया, कभी कभी किसी चीज को सॉल्व कर देते हैं सर, फिर कस्टमर वही खुश रहता है हमारा। गाड़ी एक बार हमारी एजेंसी लेकर ले जाता है तो वैसे तो आता है वो हायर लोग अंदर सर्विस कराने आता है लेकिन कोई विशेष ऐसी प्रॉब्लम में नहीं आता है, जैसे कोई कुछ लोग खड़े पड़े थे कहीं खड़े हो गए कहीं खड़े हुए गाड़ी लेके वो हमारी गाड़ी में। चलिए भाई क्योंकि हमारे पास जो है ग्राहक जो है वो दूसरे ग्राहक लेके आता है सर। बिल्कुल, मैं तो अभी मैंने एक गाड़ी यहाँ दी थी सीसी खेड़ा, उसके पास पहले दूसरी कंपनी की गाड़ी थी और उसको 4 महीने हुए सर, मोटर में प्रॉब्लम आ गई होगी ना, तो डीलर ने उसकी सुनवाई नहीं की गाड़ी कस्टमर की। अच्छा, तो काफी परेशान होकर मेरे पास आया सर, फिर गाड़ी बेच दी सेकंड हैंड किसी को, फिर मैंने उसको गाड़ी दी सर सिंगम की। और सर आज मैंने गाड़ी उसको दी है वो करीब बोल रहा था 145 किलोमीटर गाड़ी चली थी, 145 किलोमीटर। अच्छा, दूसरे दिन को सर एक अपने पड़ोसी को लेकर आया मेरे पास, बोले एक गाड़ी हमको भी दी, परेशान हो गए और लोगों से वो हमारे पास जुड़ने आते हैं। लास्ट में हम चलते हैं बस वही गाड़ी ऐसी है जो मार्केट में बिल्कुल अच्छा फीडबैक है एकदम, तो कस्टमर्स का फीडबैक पॉजिटिव है और कस्टमर जो है खुद ही दूसरा कस्टमर बना के लाते हैं। बिल्कुल सर, कस्टमर अपने आप लेके आता है फिर अपने पड़ोसी को, वो बोलता है कि मेरी गाड़ी मैंने अभी निकाल ली, पहली गाड़ी मैंने ऐसे ली 90 किलोमीटर में चल रही थी और मैंने अभी ये 45 चली, ऐसा 145 बहुत हो गया हमारी गाड़ी। अब कस्टमर का फीडबैक सर ये था बिल्कुल, तो सिद्धार्थगंज के पूरे चक्कर में एक ही चार्ज में लग जाएंगे हमारे चार्ज। वो असल में कहीं गया था ना बुकिंग लेके गया था कहीं बरेली साइड में ना, तो बता रहा था 20-30 किलोमीटर अगर फालतू चल रही है गाड़ी हमारी तो फिर कस्टमर्स जो है उनकी जो कमाई है वो भी ज्यादा हो रही होगी फिर सिंगम चला के। बिल्कुल, तभी तो सर उनकी तो कमाई अगर 30 किलोमीटर बढ़ गई तो 200 रुपए उनके एक्स्ट्रा बढ़ गए सर, 200 रुपए एक्स्ट्रा बढ़ गए। तो अनुमान यहाँ पे आपके एरिया में एक चालक कितने पैसे कमा लेता है? सर हमारे एरिया में एक चालक कम से कम 700-800-900 रुपए कमा लेता है। 900 रुपए पे अगर मैं ये लेता हूँ तो मतलब 20-25-23% के करीब जो एक्स्ट्रा कमाई हो जा रही है उसकी। बिल्कुल तो इसमें तो कस्टमर्स को बहुत फायदा है, बहुत फायदा है। वंडरफुल है जी। सिंगम के बारे में आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा है, कस्टमर्स का एक्सपीरियंस कैसा रहा? एक चीज बताऊं मैं आपको सर, अगर हमें गाड़ी में कोई प्रॉब्लम होती या शिकायतें मिलती तो हमारा एक्शन बेकार होता सर, हमें कोई प्रॉब्लम जब हुई नहीं, कोई परेशानी नहीं हुई तो एक्सपीरियंस बहुत बढ़िया रहेगा सर हमारे लिए भी कस्टमर के लिए भी, है ना। आपके नजरिए में सिंगम अगर किसी और इंडस्ट्री के 2-व्हीलर्स या 3-व्हीलर्स या 4-व्हीलर्स में बात करना चाहे तो आप किससे कंपेयर करेंगे? मैं आपको बताऊं सर, जैसे हीरो की सबसे ज्यादा बाइक होती है स्प्लेंडर प्लस जी, तो हमारी गाड़ी इस मानिए सर की बिकने में स्प्लेंडर प्लस है हीरो की। अच्छा, मारुति कारी गाड़ी मिलती है सिर्फ सबसे ज्यादा। तो जैसे कस्टमर हो गया या डीलर हो गया सबके लिए जो है ट्रबल फ्री एक्सपीरियंस हम मान के चलते हैं सिग्नल। बिल्कुल सब हो रहा है। चलिए वंडरफुल है जमीर जी।
और कुछ आप ऐड करना चाहेंगे, कुछ भी आप कुछ बताना चाहें, कुछ वो करना चाहें? बाकी सर जैसे अब हम तो मार्केटिंग कर ही रहे हैं, जैसे स्टॉल लगाते हैं हम जगह जगह, जैसे ना कहीं जैसे कोई मेला लगा है तो हम लगाते हैं, जैसे हम अपने उसके लिए ना जी एडवर्टाइज सर। बाकी तो सब ठीक है सर, बहुत बढ़िया है, इससे जुड़ के तो बहुत मतलब अच्छा लगता है, क्योंकि हमें जब शिकायत नहीं मिलेगी, मार्केट में नाम होगा तो ऑटोमेटिक खुशी महसूस होती है सर ना। हाँ जी, हाँ बिल्कुल सही बात है साहब। तो हमारी तो कोशिश यही रहती है कि आगे चल के भी हम आपको ऐसी ही सर्विस देते रहें।